हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिदातो के सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यहाँ पर खड़े हैं। इस समय हम मौजूद हैं राज ट्रेडिंग, जो कि ईस्ट ज्योति नगर शाहदरा दुर्गापुर चौक पर स्थित है। आज हम यहाँ पर लॉर्ड कंपनी के जूम प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का रिव्यू करने वाले हैं। किस तरह से इसकी बैटरी बैकअप काम करता है, कौन सी इसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से इसकी एवरेज का जो माइलेज है वो क्या देती है, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सभी तरह की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी जरूर ही कर देना। तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉर्ड कंपनी की ओर से डिज़ाइन किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का नाम जूम प्लस रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बैटरी की। तो बैटरी इसमें 60 वोल्ट की बैटरी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि काफ़ी क्लासी लुक में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर सनशाइन स्टील की यहाँ पर हैंडल कवरेज मिलती है। सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक बटन मिल जाते हैं। पार्किंग हॉर्न इंडिकेटर, ये चारों इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। हेडलाइट हाई बीम लो बीम का मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर तीन स्पीड मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्पीड मोड पर आपको अलग अलग स्पीड मिल जाती है। सर्विस बटन यहाँ पर इमरजेंसी मोड के लिए दिया गया है। रिवर्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। हेडलाइट एंड यहाँ पर DRL आपको मिल जाते हैं। साथ ही इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में USB टाइप मोबाइल चार्जिंग के लिए USB टाइप का यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है वो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको मिल जाता है। साथ ही बात करें यहाँ पर इग्निशन सिस्टम की, तो चाबी के साथ साथ आपको यहाँ पर दो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक की वगैरह मिल जाती हैं, जिसको प्रेस करके आप गाड़ी को इमरजेंसी मोड में ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही डबल क्लिक करके आप गाड़ी को ऑन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ खास फीचर्स इसके इलेक्ट्रिक सिस्टम के। और साथ ही अगर इसकी बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ब्रेकिंग सिस्टम में आपको यहाँ पर फ्रंट में जो एक हैवी क्वालिटी की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि लॉर्ड्स कंपनी के जूम का यहाँ पर लोगो भी मिल जाता है। क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में नहीं मिलेगा। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको LED मिल जाती हैं, जो कि आपको बैटरी की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती हैं और साथ ही रोशनी भी आपको लाजवाब मिलती है। बात करें इसकी चाबी की, तो चाबी के साथ साथ यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनिक और दो आपको मैनुअली की मिल जाती हैं। बैक लाइट में आपको साइड में यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी क्लासी लुक में है। और साथ ही बैक लाइट आपको फुली LED रेड में आपको बैकलाइट मिल जाती है। साथ ही नंबर प्लेट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉर्ड्स ऑटोमोटिव कंपनी का लोगो और भी छपा हुआ है। बात करें मोटर की, तो इसमें 1000 वाट की जो वाटर प्रूफ मोटर है, BLDC मोटर का प्रयोग किया गया है। काफ़ी हैवी यहाँ पर शॉकर्स एंड पीछे रियर ड्रम ब्रेक मिल जाती है। बात करते हैं इसके बैटरी की वारंटी की। 3 साल की बैटरी वारंटी आपको कंपनी की ओर से इसमें मिलती है। साथ ही कंट्रोलर वगैरह की आपको 1 ईयर की आपको मिल जाती है वारंटी। आपको चार्जर की भी 1 ईयर की मिल जाती है। तो यह जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो आपको अगर इसकी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आपको इस वाले स्कूटर्स का मिलने वाला है। अगर आप इसका जल्दी से जल्दी रिव्यू जानना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। सभी तरह की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, सबका रिव्यू आने वाले टाइम में इसी चैनल पर होने वाला है। सभी तरह के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लेना, तरह तरह के मॉडल की जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।